नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों आज हम लोग वक्रता त्रिज्या, इसमें हम लोग देखेंगे पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन, इसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि हम पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण किसको कहते हैं। बच्चों पी और आर में संबंध बताने वाले समीकरण को हम पदिक समीकरण कहते हैं, पेडल इक्वेशन कहते हैं। यहां पर आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा, यानी आर इसकी त्रिज्या है समझो, स्मॉल आर, और पी मूल बिंदु से उस वक्र पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वक्रता त्रिज्या फाइंड करने के लिए क्या कौन सा फार्मूला, क्या फार्मूला यूज करते हैं, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करें वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र पदिक समीकरण, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पेडल फार्मूला, पेडल इक्वेशन। देखिएगा पदिक समीकरण मैंने अभी बताया आपको, पी और आर में संबंध बताने वाले समीकरण को हम पदिक समीकरण कहते हैं। आर क्या होता है बच्चों, ध्रुवांतर, और पी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, वक्र की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इसके लिए यहां पर वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए वक्रता त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रो इज इक्वल आर डी आर अपान कितना डी पी। साथ में याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसे भी आप जानते हो पी और आर में रिलेशन होता है पी इज इक्वल आर साइन फाई, और इसी से यहां पर बनता है। और बस आपको वक्रता त्रिज्या के लिए रो इज इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी, इसका मतलब आपको केवल पी के सापेक्ष अवकलन करना है। आपको समीकरण दिया रहेगा, आपको पता चल जाएगा पी के रूप का समीकरण है, आर के रूप का समीकरण है, हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिनोरा देखिएगा, हृदयाब कार्डियाइड क्या दिया है, आर क्यूब इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये देखिए ये हृदयाब है, ध्रुवी में हृदयाब का सूत्र आप जानते होंगे, आर इज इक्वल ए वन प्लस कास थीटा, ये पढ़े हो आप। और इसी को पेडल फॉर्म में है ना, क्या कहते हैं हम लोग पदिक रूप में, हम लोग क्या कहते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अब देखिएगा आपको बिंदु दिया है पी आर, आर ध्रुवांतर है, पी मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए वक्र की स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसके लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है वक्रता त्रिज्या का सूत्र, ये होता है प्यारे बच्चों रो इज इक्वल आर इंटू डी आर अपान कितना डी पी, ये हो गया। अब हमें नीड क्या है, जरूरत क्या है यहां पर डी आर अपान डी पी की, क्या कीजिएगा, समीकरण एक का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलो करते हैं आंशिक अवकलन करने पर, तो कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आर क्यूब इज इक्वल है, आर क्यूब इज इक्वल है, तो मैं आर क्यूब का करूंगा थ्री आर स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों डी आर अपान डी पी होगा। देखिएगा डी आर अपान डी पी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, टू ए कॉन्स्टेंट है कॉमन, पी स्क्वायर का हुआ टू पी, क्योंकि आप पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। आप देखो हमको आर डी आर अपान डी पी चाहिए, तो यहां छोड़ देते इसको, आर डी आर अपान डी पी यहां रख दिए। चलिए अब बाकी थ्री आर को हम नीचे ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा कितना, फोर ए पी अपान कितना थ्री आर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो आर डी आर अपान डी पी है, तो समीकरण दो से क्या हो जाएगा, समीकरण दो से आप पाओगे रो
इसके जगह में क्या बिठा देंगे, रो, क्या आ जाएगा, 4AP अपान कितना 3R। ऐसे तो ये वक्रता त्रिज्या इतना ही रहेगा। यदि आपको इसमें केवल P के पदों में करना है तो R का मान रखना होगा, और केवल R के पदों में रखना है तो समीकरण एक के द्वारा हम यहां पर बदल सकते हैं। सपोज R का मान रखना है तो समीकरण एक से क्या हो गया, मान लो R के रूप में रखना है, ऐसे तो हमारा वक्रता त्रिज्या मिल गया, यहीं तक करना है आपको। समीकरण एक से है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया आर क्यूब, पी स्क्वायर इज इक्वल आर क्यूब अपॉन कितना 2A, तो हमको चाहिए P, तो पाएंगे कितना आर क्यूब अपॉन 2A, रख दीजिएगा पूरे इसमें, तो 4A अपॉन 3R आया, P के जगह मैंने रखा आर क्यूब अपॉन 2A। अब ऐसा कीजिए, ये इसको मैं 2A अपॉन 3 रख देता हूं यहां पर अभी, और एक 2 को यहां से मैं अंदर ले जाऊंगा, एक 2 को देखो 2 जा 4, एक 2 को मैंने यहां रखा, एक 2 को अंदर ले गया, अच्छा A को भी ले जाओ, चलो तो एक 2A को अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाकर क्या होगा, 4A स्क्वायर था तभी तो बाहर आया था 2A, और R क्यूब हमारे पास है। अब इनमें से हम R को अंदर ले जाएंगे तो R स्क्वायर होकर जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, ये देखो यहां पर क्या आएगा, टू ए। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या पाइएगा, रो इज इक्वल 2/3 स्क्वायर रूट, ये देखो ए से ए के कैंसल हो गया, 2×2=4, आर स्क्वायर से कैंसल, तो आपने पाया प्यारे बच्चों 2AR। यदि R के फॉर्म में रखना है तो ऐसा भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। तो यही वक्रता त्रिज्या का सूत्र है प्यारे बच्चों। यदि आप P के फॉर्म में रखना चाहते हो तो P में बदल सकते हो भाई, उसके लिए हमको R को इलिमिनेट करना होगा, R के जगह में वैल्यू रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ये देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/ दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्त, ऐसे एक्स और वाई में दीर्घवृत्त का समीकरण x² + y² + b² = 1 जानते हो, प्राचलिक समीकरण के रूप में x = a cos φ है ना, x = a cos³φ और y = a sin³φ। तो ये हमारा प्राचलिक है, लेकिन यहां पर हम है ना पेडल फॉर्म में पदिक रूप में हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 1/p² ये देखिएगा दिया है, 1/p² = 1/a² + 1/b² - कितना r² / a² + b, देखिए a² × b²। अब ये देखिए इस फॉर्म में है, निकालना क्या है, त्रिज्या PR पर, तो बिंदु PR पर त्रिज्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या अपने पास क्या है भाई, सूत्र वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला राइट कर लीजिएगा, तो पाइएगा क्या, r dr / कितना प्यारे बच्चों dp। अब क्या कीजिए, हमको तो इसको निकालना है, dr / dp को निकालना है, तो ऐसा करते हैं ये जो इक्वेशन दिया है उसे हम क्या करते हैं, p के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिएगा समीकरण एक का p के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या पाइएगा, 1/p² है देखो बच्चों, तो ऊपर गया p⁻², हुआ ऊपर मतलब अंश में, हर से अंश में गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर गया, तो p⁻², तो मैं इसका अवकलन करूंगा p⁻², का तो -2p⁻²-1। अब हम तो p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर तो p का 1 होगा इज इक्वल, इसके बाद 1/a² का होगा प्यारे बच्चों 0, कांस्टेंट है, 1/b² का होगा 0, कांस्टेंट है, इनमें और क्या कांस्टेंट है निकाल लो भाई, 1/a² b² और r² का होगा 2r और dr / dp, ये कंप्लीट हो गया। देखिए क्या पाया आपने, आपने पाया प्यारे बच्चों -2, और ये -3 नीचे जाएगा, p क्यूब हो जाएगा, -2r / a²
बी स्क्वायर माइनस टू को कैंसिल कीजिएगा, है ना, तो पाइएगा क्या, ये देखिएगा बच्चों, वन अपान पी क्यूब आर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी आर अपान डी पी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको चाहिए आर डी आर अपान डी पी, ध्यान दीजिएगा, तो आप पाएंगे कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान कितना पी क्यूब, ठीक है। अब समीकरण दो से हमें रो इज इक्वल कितना मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान कितना पी क्यूब, तो यही बिंदु पी आर पर, है ना, बिंदु किस पर, पी आर पर वक्रता त्रिज्या का सूत्र है जो हमें समीकरण दीर्घवृत्त दिया था उसका। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये देखिएगा, अब आ गया परवलय, तो भाई सिंपल परवलय आप क्या जानते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस फोर एक्स, जानते हो कि नहीं जानते हो। यहां पर पेडल फॉर्म में पदिक रूप में हम जानते हैं प्यारे बच्चों पी स्क्वायर इज इक्वल ए आर, हमें पी आर पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए जो इक्वेशन दिया है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। देखो भाई ये देखिएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल ए आर, अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है आपको, समीकरण एक का देखो, सबसे पहले वक्रता त्रिज्या के लिए आप क्या राइट कीजिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, रो इज इक्वल आर डी आर अपान डी पी, यही है कि नहीं है, बिल्कुल है, अब तो याद हो गया भाई। समीकरण एक का क्या कीजिएगा, अब इसको देखे तो पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कीजिएगा क्या पाइएगा, पी के सापेक्ष तो पी स्क्वायर का टू पी ए आर का डी आर अपान कितना डी पी, ओके, हमको चाहिए डी आर अपान डी पी, ये देखिएगा, तो यहां पर हमको मिलेगा टू पी अपान कितना ए, ये देखो। अब समीकरण दो में इसका मान रखो भाई, बिंदु पी आर पर तो निकालना है, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल, रो इज इक्वल आर डी आर अपान डी पी के जगह टू पी अपान कितना ए, यानी आपने पा लिया टू आर पी अपान कितना ए। अब यदि ये तो बिंदु पी आर पर हो गया, अब यदि आप किसको आर में ही रखना चाहते हो, ये देखो तो आर इज इक्वल कितना हो गया पी स्क्वायर अपान ए, आपके ऊपर है, मैंने सॉरी पी के फॉर्म में रखना चाहते हो, तो समीकरण एक से आर इज इक्वल पी स्क्वायर अपान ए रख दो आपके ऊपर, ऐसे तो आप पालिए हुई है, रो टू पी स्क्वायर अपान ए इंटू पी, आपने पाया प्यारे बच्चों टू पी क्यूब अपान कितना ए स्क्वायर, एक फॉर्म आ गया। यदि आप पी में ही रख सॉरी आर में ही रखना चाहते हो तो पी पी स्क्वायर इज इक्वल कितना आर ए, पी इज इक्वल स्क्वायर रूट आर ए रख दीजिए यहां पर, तो पाइएगा क्या, रो इज इक्वल टू आर अपान ए, पी के प्लेस पर रखिएगा आर ए, ये देखो तो क्या मिलेगा बच्चों, टू आर ए को अंदर ले जाइएगा तो एक स्क्वायर होगा और एक स्क्वायर में एक कटेगा, तो हमको मिलेगा बच्चों टू आर स्क्वायर रूट आर अपान ए। तो आपके ऊपर है आप कैसे रखना चाहते हो, ठीक है ना, बस इसी ढंग से पेडल फॉर्म में पदिक रूप में हम वक्रता त्रिज्या प्राप्त करेंगे। हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पदिक रूप है, पेडल फॉर्म है कि क्या है। यदि इस रूप में आता है तो हम वक्रता त्रिज्या भी आपको बताए हैं, रो इज इक्वल आर डी आर अपान डी पी, बिल्कुल दिमाग में रखिए, और कभी साइन वगैरह आए तो पी इज इक्वल आर साइन फाई, इसको भी यूज कर सकते हैं, पी यहां पर मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। अगला क्वेश्चन की ओर चले प्यारे बच्चों, ये देखिए अति परवलय, आपको मालूम है ना अति परवलय क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल कितना वन, दो रूपों में आप जानते हो अति परवलय, लेकिन यहां पर पेडल फॉर्म में पदिक रूप में हमें यहां पर अति परवलय का समीकरण दिया है पी आर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं देखना, वक्रता त्रिज्या लगाएंगे, तो वक्रता त्रिज्या क्या हुआ बच्चों, वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी हो
हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का, देखो समीकरण एक का किसके सापेक्ष, P के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। चलो करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो पहला और दूसरा, पहला वैसी माने प्रोडक्ट लगेगा, गुणनफल का नियम लगेगा अवकलन के लिए, पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही तो जानते हैं प्यारे बच्चों, पी इंटू आर का कितना हो गया भाई, डी आर अपॉन डी पी हो गया, प्लस आर वैसी पी का हो गया वन और ई स्क्वायर का जीरो। तो क्या पाइएगा, P इज इक्वल डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल, ट्रांसफर कीजिएगा, माइनस आर हुआ प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी पी तो हम पाएंगे आर अपॉन पी, ठीक है ना। अब इसमें आर का गुना कर लो, चलो तो आर डी आर अपॉन डी पी माइनस हो गया आर स्क्वायर अपॉन पी, और समीकरण दो से आप पाएंगे कितना पाएंगे, ये हो गया रो माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी। यदि हम इसका मान रखना चाहते हैं, ठीक है ना, पी में लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं। यहां पर देखो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है प्यारे बच्चों, ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है ना, तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे फॉर्म में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कोणिक सर्पिल, ये सर्पिल का समीकरण है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है P इज इक्वल आर साइन अल्फा। ये देखो अब वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र हम जानते हैं, वक्रता त्रिज्या ये होता है प्यारे बच्चों रो इज इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी, हो गया ना। अब इसको क्या कीजिएगा, समीकरण एक का, समीकरण एक का इसको दो मान लो, पी के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा, क्या पाइएगा, पी के सापेक्ष करेंगे तो पहला यानी पी का वन हो गया, साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया डी आर अपॉन डी पी, ये हो गया साइन अल्फा, तो हमने पाया बच्चों डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल वन अपॉन साइन अल्फा, इसका मान रखिएगा समीकरण एक दो में, तो रो इज इक्वल समीकरण दो में रखेंगे, दो से रो इज इक्वल क्या पाएंगे, आर इंटू वन अपॉन साइन अल्फा। अब देखो रो इज इक्वल आर अपॉन साइन अल्फा, ये हो गया। इसको और बदलना चाहते हो तो समीकरण एक में जाइएगा, तो समीकरण एक से साइन अल्फा इज इक्वल कितना पाइएगा, पी अपॉन आर, रखिएगा वैल्यू साइन अल्फा की जगह में, तो आप पाएंगे प्यारे बच्चों पी अपॉन आर। तो फाइनली आपने पाया आर स्क्वायर अपॉन कितना पी, ठीक है ना। तो बच्चों बस इसी ढंग से बनाना है, मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको 100% पसंद आ रहा होगा। आज का भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बस आपको केवल फॉर्म जानना है कि किस फॉर्म में दिया है, ठीक है बच्चों, उसके हिसाब से बनाइएगा। तो हमको तो भाई एग्जाम है, मालूम थोड़ी है कौन आएगा, हमको सभी फॉर्म लेकर के चलना है, सभी रूपों को लेकर के चलना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों, बिल्कुल बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, तैयारी में रहें। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चों, यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।